नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। कुछ दिन पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अरेस्ट कर लिया। कहा गया फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो दंगा हुआ था उसका षड्यंत्र रचने वालों में से एक खालिद थे। उनको लेकर अब तक 21 व्यक्तियों को 21 पीपल को अरेस्ट किया गया है। गिरफ्तार होने वाले पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंटी सीएए एनआरसी एजिटेशन में बहुत एक्टिव रोल प्ले किया था। जिन 21 राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अब तक अरेस्ट किया गया है उनमें से 19 मुसलमान हैं। क्या ये मात्र एक संयोग है या फिर एक प्लान का हिस्सा है जिसमें उनकी आइडेंटिटी या पहचान ही उनका जुल्म है? उमर खालिद का अरेस्ट भी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत हुआ है। ये 53 साल पुराना कानून नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले साल 2019 में दोबारा री इलेक्ट होके आने के बाद प्रायोरिटी बेसिस पर एमेंड कर और स्ट्रॉन्ग बनाया था। संशोधन के बाद ये कानून अपने मूल कैरेक्टर से और कठोर और बेरहम हो गया। खालिद की गिरफ्तारी के बाद 200 से ज्यादा विद्वान, फिल्म डायरेक्टर्स और लेखकों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है। उसमें लिखा गया है, वी कॉल ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फ्री उमर खालिद एंड ऑल दोज फॉल्सली इम्प्लीकेटेड एंड अनजस्टली इनकार्सरेटेड फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सीएए एनआरसी। द अरेस्टेड पीपल आर नॉट टेररिस्ट एंड द पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन टू द दिल्ली रायट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, इंस्टेड इट इज अ प्री मेडिटेटेड विच हंट। आम जानकारी है, पॉसिबली द मोस्ट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट हम सब जानते हैं वॉज मेड बाय द बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा, लेकिन उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हुआ है। उन्हें हीरो के तौर पर ये सिस्टम या ये एस्टेब्लिशमेंट ट्रीट करता है। खैर, इस डिस्कोर्स के बारे में आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मैं बात करूंगा यूएपीए, हिंदुस्तान के सिक्योरिटी लॉज के फ्रेमवर्क और उसके हिस्ट्री और इवोल्यूशन, उस पर मैं एम्फेसिस डालूंगा। क्या कुछ बदल गया था पिछले साल के अमेंडमेंट के बाद, या यूं पूछिए क्या एडिशनल पावर्स दिए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को। 2019 के अमेंडमेंट में दो मुख्य चेंजेस थी। पहला कि इट गेव ग्रेटर फ्रीडम टू द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू सिक्योर कंट्रोल ऑफ द केसेस दैट अदरवाइज फॉल इन द डोमेन ऑफ द पुलिस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। इस चेंज की वजह से हम लोगों का जो फेडरल कैरेक्टर है वो बुरी तरह से अंडरमाइन हुआ, क्योंकि पावर पूरी तरह से केंद्र के हाथ में चली गई। दूसरा परिवर्तन जो 2019 के अमेंडमेंट में हुआ वो हमारे डेमोक्रेटिक कैरेक्टर के लिए ज्यादा फेटल है। इसी की वजह से उमर खालिद और बाकी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का अरेस्ट हो पा रहा है। दरअसल पिछले साल के अमेंडमेंट में सरकार को, सेंटर को
पावर दिए गए टू डिक्लेयर एनी इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट। इसके पहले सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर होते थे एज टेररिस्ट। बहुत वक्त से हिंदुस्तान में केंद्र सरकार के पास स्वीपिंग पावर्स होते हैं, वो चाहे तो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है और चार्जेस लगाए बगैर बहुत लंबे समय तक डिटेन करके रख सकती है। एवरी गवर्नमेंट स्वेयर्स इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी एंड कंडेम्स और ब्लेम्स इट्स प्रेडेसेसर्स फॉर हैविंग डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेटिक राइट्स, बट अल्टीमेटली एंड्स अप डूइंग द सेम। हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी लॉज एक परसिस्टेंट लॉजिक पर आधारित हैं। इन कानूनों का इस्तेमाल ज्यादातर हमारे देश के ही अपने नागरिकों के खिलाफ होता है। ये नागरिक इन मोस्ट केसेस आर आइदर मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी और आर डिसेंटर्स क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे एंड इट्स पॉलिसीज। कहने को तो कानून राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के लिए हैं, परंतु वास्तव में नागरिकों के डेमोक्रेटिक राइट्स को कर्टेल करते हैं ये कानून। द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक फैसेट ऑफ दीज लॉज इज दैट द ओनर्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग इनोसेंस लाइज ऑन द एक्यूज्ड। जो एक्यूज कर रहा है उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू प्रूव गिल्ट। इस तरह से किसी पर भी आरोप लगाने से ही अपराध साबित हो जाता है, एटलीस्ट इन द पब्लिक आई। उमर खालिद या फिर बाकी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को इसी तरह से टेररिस्ट ऑलरेडी करार दिया गया है, एटलीस्ट इन पब्लिक परसेप्शन। सरकार ने अपना हक बना लिया है टू प्रीजज एवरी इशू, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। इसका ऐसे लंबा इतिहास है जो ब्रिटिश पीरियड तक जाता है। ये ड्रेकोनियन लॉज प्रिवेंटिव डिटेंशन के फॉर्म में या फिर किसी के भी तथाकथित इरादे या सोच या फिर विश्वास या फिर उनकी थिंकिंग, उनकी कन्विक्शन, उनको क्रिमिनलाइज करते हैं। कहानी की शुरुआत दरअसल 1818 में होती है। बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन पहला कानून इंट्रोड्यूस हुआ था। द सोल पर्पस वाज टू डिटेन एनीबॉडी हु वाज परसीव्ड टू बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश इन द कंट्री। 1818 का रेगुलेशन ब्रिटिश हुकूमत के लिए अपने पॉलिटिकल ऑपोजिशन के खिलाफ बहुत इफेक्टिव टूल बन गया। ये 1927 तक स्टैट्यूट्स में एग्जिस्ट करता रहा। 1908 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट CLA एक्ट पास हुआ। अनलॉफुल एसोसिएशन को पहली बार परिभाषित किया गया और ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने के लिए CLA का इस्तेमाल होने लगा। कहा गया, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस वर दोज दैट वर्क्ड अगेंस्ट द कंट्रीज फ्रीडम। लेकिन किससे आजादी, किससे फ्रीडम? अपने आप से, अपने हक मांगने के राइट से। CLA एक्ट अभी भी हमारे स्टैट्यूट बुक्स में एग्जिस्ट करता है। UAPA का एक तरह से ये फाउंडेशनल कानून है। अगर आप दोनों को, मेरा मतलब है एक तरफ CLA और दूसरे तरफ UAPA को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो कई क्लॉजेस और सेक्शंस आपको कॉमन दिखाई देंगे। एवरीवन इज अवेयर दैट ओवरलैपिंग लॉज is a common recurrence of all repressive regimes in the world. हिंदुस्तान में ऐसे कानूनों की कमी नहीं है। यह phenomenon कोई नई बात नहीं है। हर पार्टी के कार्यकाल में यह देखा गया है, कभी कम कभी ज्यादा। Misuse of power is directly proportional to the absence of belief and commitment to democratic rights and processes.
1915 में पहला विश्व महायुद्ध शुरू हुआ। By virtue of being a British colony, Indians were sucked into a conflict that was not theirs. Defense of India Act पास कर दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत ने इमरजेंसी क्रिमिनल लॉज का इस्तेमाल किया, राष्ट्रवादी एक्टिविटीज को कंट्रोल या फिर कर्टेल करने के लिए। पहला महायुद्ध खत्म हो गया, परंतु कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स बिल ऑफ 1919 तुरंत इंट्रोड्यूस कर दिया। इसको पॉपुलरली रोलेट बिल्स कहा जाता है। ब्रिटिश जज सर सिडनी रोलेट के नाम पर ये बिल्स रखे गए थे, वो इन्हीं को ड्राफ्ट किए थे। रोलेट बिल्स इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मार्च 1919 में पास हो गया। दीज बिल्स ऑथोराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनीबडी सस्पेक्टेड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी। इट ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू डिटेन पीपल फॉर अप टू 2 years विदाउट ट्रायल। इट एम्पावर्ड द पुलिस टू सर्च एनी प्लेस विदाउट अ वारंट एंड प्लेस सिवियर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। विथ सम ऑल्टरेशंस कई सारे कंटेम्प्ररी कानून, खासतौर से UAPA, एक तरह से इसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। अपने इरादों में रोलेट बिल्स और UAPA वाकई में खास तौर से 2019 के अमेंडमेंट के बाद उनमें बहुत ही सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेंगे। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गांधी जी के लीडरशिप में जो असहयोग आंदोलन या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया था, उससे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। 1920 के ट्रांसफॉर्मेटिव एजिटेशन की बुनियाद रोलेट सत्याग्रह में थी। उस अभियान के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट को रोलेट एक्ट को विड्रॉ या फिर आज के भाषा में बोले तो रोल बैक करना पड़ा था। अगर राष्ट्रीय आंदोलन को सरकार एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल स्ट्रगल मानती है तो क्या राइट टू डिसेंट को नकारा जा सकता है? अनफॉर्चुनेटली Even while violent protest in history is championed, post-independence governments have frowned on agitations against official policy. ये सोच अब ज्यादा व्यापक हो गया है। हालांकि ये mentality अब ज्यादा emphatic हो गई है, लेकिन इसकी शुरुआत तो आजादी के ठीक बाद से ही हो गई थी। हिंदुस्तान का पहला Preventive Detention Act फरवरी 1950 में संसद में पास हुआ था। इसको सरदार पटेल ने पर्सनली पायलट किया था लोकसभा में। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एके गोपालन को इसके अंतर्गत अरेस्ट किया गया था। इट वॉज क्लियर दैट द लॉ वॉज ब्रॉट नॉट टू कंट्रोल व्हाट वी कैन कॉल एज द ऑर्डिनरी डिस्टर्बर्स ऑफ ऑर्डर एंड पीस बट टू कंटेन पॉलिटिकल डिसिडेंट्स। ये एक विडंबना है। जिन नेताओं को आजादी के आंदोलन के दौरान प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रोविजंस की वजह से सबसे ज्यादा पर्सनली सफर करना पड़ा था, उन्होंने हमारे संविधान में इसको लेजिटिमेसी दी। हिंदुस्तान उन गिने चुने मुल्कों में से है हुज कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन इवन ड्यूरिंग पीस टाइम। PDA यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट तो पास इसलिए किया गया था क्योंकि पार्टीशन के बाद सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उनको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये लॉ बुक्स में 1969 तक कंटिन्यू करता रहा। और बड़ी बात ये है कि ये 1969 में जब हटाया गया तो इसको तुरंत UAPA से रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद से UAPA को प्रोग्रेसिवली
अनडेमोक्रेटिक और कठोर बनाया गया। इसमें संशोधन 2019 के पहले यूपीए के सरकार के टेन्योर में 2004, 2008 और 2012 में हुआ था। हर ओकेशन में नए प्रोविजंस ऐड हुए थे। भागीदारी भले ही सबकी हो, कानून का परमानेंस मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा उस समय की वर्तमान सरकार की होती है। हमारा ये कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस कार्यक्रम को और न्यूज क्लिक के तमाम सारे प्रोग्राम्स को आप लोग प्लीज शेयर करिए और सोशल मीडिया पर लाइक करिए। धन्यवाद और नमस्कार। Thank you.